प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से रोकने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रियंका गांधी को जहां जाना चाहिए वहां जाने भी दिया गया है, लेकिन जिन गरीबों की हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं के मुख्य अभियुक्त सहित लगभग सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच हो रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा, कांग्रेस अभी घटना के बाद पूरी तरह से नाटक कर रही है। और आजम खान पर सीधा बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो माफिया करेगा या जमीन कब्जा करेगा वह किसी की हत्या करेगा, किन्हीं अन्य प्रकार का अपराध करेगा तो उसके प्रति कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान इस समय बखलाए हुए हैं, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आखिर क्यों जाने नहीं दिया क्या मंत्री जी? प्रियंका गांधी जी को वहाँ जाने देना चाहिए, वहाँ जाने भी दिया गया है, वहाँ जाए भी कोई रोक भी नहीं है, लेकिन मंत्री जी सुनिए करिए, बंद करवा दो। कौन गरीबों की हत्याएं हुई हैं सहित लगभग सभी प्रमुखों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच भी हो रही है। कांग्रेस इतनी बड़ी घटना के बाद पूरी तरह से नाटक कर रही है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ाए जाने का मतलब क्या है मदरसों में? आजम खान ने कहा है कि ये गलती हुआ कि उनके पूर्वज पाकिस्तान में नहीं गए, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है उनको। जी। तो माफिया किस करेगा, जमीन छोटा करेगा, मकान कब्जा करेगा, किसी की हत्या करेगा, कोई अन्य प्रकार का अपराध करेगा, तो उसके लिए जो कानून संबद्ध कार्रवाई वो होती है। कहना है कि आजम खान ने ये कहा है कि मॉब लिंचिंग के बदले बदला लिया जाएगा। आजम खान जी समय पर उनका अपराध उजागर होगा।